आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं निक नेम ऑप्शनल क्या होता है, निक नेम ऑप्शनल में क्या डालना पड़ता है। अगर आप फोन पे से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं निक नेम ऑप्शनल का एक ऑप्शन मिल जाता है, तो इसमें आपको क्या डालना पड़ेगा इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। अगर आप पैसे भेजने से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं और अगर आपको निक नेम ऑप्शनल का ऑप्शन मिल रहा है तो आपको क्या डालना है, चलिए बताते हैं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आप फोन पे से किसी के बैंक अकाउंट में पैसे भेज रहे हैं तो सबसे पहले आपको अकाउंट नंबर डालना होता है, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर डालना पड़ता है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है IFSC नॉट रिक्वायर्ड, यानी आप जो है यहाँ पर बिना IFSC कोड का भी पैसे भेज सकते हैं, इसका कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अकाउंट होल्डर नेम डाल देना है, फिर लास्ट में निक नेम ऑप्शनल का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको क्या डालना है। दोस्तों आप जो है इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो है ऑप्शनल है, इसमें आप चाहे तो कुछ नाम डाल सकते हैं और चाहे तो आप जो है इसको छोड़ सकते हैं। इसमें अगर आप कुछ नहीं भी डालेंगे तो भी आप जो है फोन पे से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे। लेकिन निक नेम का मतलब ये होता है कि जैसे किसी का कोई ओरिजिनल नाम होता है और उसका कोई प्यारा सा नाम होता है, जैसे उसको कोई अलग नाम से लोग बुलाते हैं, तो जो अलग नाम होता है उसका कोई निक नेम, उसी को जो है निक नेम बोला जाता है। तो आप चाहे तो इसमें कुछ डाल सकते हैं, चाहे तो इसे छोड़ सकते हैं, इसके बिना भी आप जो है पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटा देखने को मिलेगा उसे भी दबा दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।